इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। की भी बात आ रही थी लेकिन यहाँ पर बड़ा एक फुल स्टॉप आ गया। हाउ डू यू सी इट सर? नहीं देखिए, अब जो आपके पड़ोसी हैं उनसे आप मुस्तकिल तौर पर अलहदा तो नहीं रह सकते हैं। 22-23 महीने पहले बाम तजारत का सिलसिला टूटा था और अब अगर वो बहाल हो रहा है तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हमें समझता हूँ मैं कि गैर जज्बाती अंदाज में इस मामले पे गौर करना चाहिए। अपोजिशन जाहिर है वो अपने पॉइंट स्कोरिंग करती है, जब भी कोई भी भले हुकूमत में और कोई भी अपोजिशन हो, अपोजिशन के तौर पे उन्होंने अपना उनका कारोबार ही होता है कि हर हुकूमत के फैसले पे एतराज़ करेंगे और ख़ुद पार्टियों के अंदर भी जो हुक्मरान जमात होती है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं लोग ऐसे जज्बाती जो इन मामलों को सिर्फ एक ही आंख से देखते हैं। हालांकि दुनिया भर में अब यह कि जब सोवियत यूनियन और मगरबी ममालिक के दरमियान बदतरीन ताल्लुकात थे, उस वक्त भी सोवियत यूनियन से गैस यूरोप को फराहम की जा रही थी। इस वक्त भी साइबेरिया के कुओं से, रूस के जो साइबेरिया के कुएँ हैं वहाँ से गैस पहुँच रही है यूरोप। मतलब यूरोप के रूस पर शदीद तर एतराज़ात के बावजूद अमरीका में यूरोपीय ममालिक ने उसके साथ अपने गैस के मामलात मुनक़ते नहीं किए हैं। और इसी तरह कई और ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे तजारती ताल्लुकात जारी और सारी रहते हैं। हम अफगानिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे काफ़ी अरसे से एक ट्रैक टू का काम कर रहे थे, उसमें भी बार बार यही एक मुतालबा सामने आता था कि आप सियासत को और तजारत को अलग अलग रखें ताकि दोनों तरफ के लोग और दोनों तरफ के ताजिर वो मुतासिर ना हो, उनके मफादात पे कोई ज़रब ना पहुँचे। तो इसी तरह अगर अभी चाहे भले किसी भी बैरूनी असरात के बायस अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अगर किसी हद तक बहाल होने की तरफ जा रहे हैं तो उसमें मेरा ख्याल है हमें कोई बहुत ज़्यादा लेतो लाल से पसो पेश से काम नहीं लेना चाहिए। बहरहाल अगर भारत से हमें चीज़ें मिलती हैं तो इधर से भी कोई चीज़ें शायद एक्सपोर्ट की जा सकें और उससे कत नज़र दुनिया भर में जो तासुर जाएगा वो यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो गई है। गुल साहब, आपने जो मिसालें दी वो बिल्कुल दुरुस्त हैं लेकिन यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा मामला तब्दील हो जाता है क्योंकि हमारे एक तो बराह रास्त दुश्मनी का तो मामला अपनी जगह पर है लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन तो कश्मीर है और फिर जो वहाँ पर मजालिम हैं और जो तमाम तर उन वो चीज़ें हैं। आज भी जो वज़रा ने काबीना में बात कही है उन्होंने यही बुनियाद बनाई है कि कश्मीर के मामले को किसी हद तक आप सेटल डाउन करें फिर आप जो मर्जी करें। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ नहीं हो जाता जब कश्मीर की बात आ जाती? नहीं, मैं नहीं समझता कोई बहुत मुख्तलिफ मामला है। ताइवान पे, ताइवान को चीन अपना 32वां 33वां सूबा कहता है आज भी और उस पर उन्होंने उसको तस्लीम भी नहीं किया, खुद अक़वामे मुत्तहिदा में उसमें भी उसकी रुकनियत की मुखालफत की। लेकिन इस वक्त ताइवान के बहुत बड़े 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 सरमाकार ग्रुप जो हैं वो चीन के अंदर मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो हमें भले कश्मीर हो जो मर्ज़ी हो, और ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में आज तक जितना बिगाड़ आया है, जिस मुल्क में जितनी इस मुल्क की जितनी बैरूनी ममालिक में बदनामी हुई है उसकी बुनियादी वजह भी कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हमारी पॉलिसियाँ हैं, चाहे वो अफगान तालिबान थे, चाहे कश्मीरी तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, उनके साथ हमारे जो रवाबित थे उसकी वजह से ये मुल्क दुनिया भर में 1994-95 से बदनाम होता रहा है। और इसमें ये तो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लिहाजा इसमें सबको सोचना चाहिए ज़रा सा कि कश्मीर की वजह से इस मुल्क का क्या हशर हुआ है। और कश्मीर जब उसको उनके हुकूक की खातिर हमें बिल्कुल बात करते रहने चाहिए, जहाँ जहाँ मुमकिन हो शोर उठाना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए हमें कि कश्मीर को भारत ने एनेक्स कर लिया है, आर्टिकल 370 और 35 उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उसके बाद बहुत सारे डोमिसाइल के कवानीन भी तब्दील कर दिए हैं। लेकिन किसी एक मुल्क ने अमेरिका, यूरोप को तो छोड़े, मुसलमान मुल्कों में से भी किसी ने
भारत की मजम्मत नहीं की, भारत से इन इकदाम की वापसी का मुतालबा नहीं किया है और ना ही अमरीका से उसकी कोई मजम्मत आई है। लिहाजा हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम अकेले कश्मीर कश्मीर करके इस मुल्क की जड़ें मजीद खोखली करते जाएंगे, इस मुल्क को मजीद तन्हाई का शिकार करते चले जाएंगे, जबकि वो ममालिक जिनके साथ हम दोस्ती का भरम भरते हैं, उसमें अक्सर मुसलमान वाले भी शामिल हैं, वो बढ़ बढ़ के मोदी सरकार को गले लगा रहे हैं। राइटली सेट सोलंकी साहब, जो बातें इम्तियाज़ गुल साहब ने कही हैं ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच किसी की भी यही होगी, लेकिन एक जज्बात का आंसर भी हमारे अंदर बड़ी हद तक मौजूद है। आप भी क्या समझेंगे जो आज बुजरा ने जो बातें कहीं वो जज्बात में कहीं या इससे बढ़कर भी कुछ है, या वो एक प्रिंसिपल उनका स्टांस है जो कश्मीर को लेकर उनका मौकफ है? हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन? देखें, कल जब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला किया चीनी और कपास दरामद करने का, तो वो भी इसी हुकूमत का फैसला था, और जब आज उन्होंने तब्दील किया तो वो भी 24 घंटे के अंदर, ये वही हुकूमत है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये जो दरामद का जो फैसला था, वज़ीर आज़म की जो हिमायत है और मंजूरी है, उसके बगैर ये वहाँ जा ही नहीं सकता था, क्योंकि इस वक्त तिजारत के वज़ीर जो है वो इमरान खान खुद हैं, रज़ाक दाऊद तो पूरी तरह से वज़ीर नहीं है, तो वो वहाँ जा ही नहीं सकता था। और इतने हसास मामले पर ये हो ही नहीं सकता था कि इस हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर इमरान खान के नाक के नीचे से ये हो जाए। अब जो इन्होंने ये तब्दील किया है तो ये एक सियासी फैसला है, क्योंकि जैसे ही ये कल फैसला आया तो उसके बाद अपोजिशन से और जो नकाद थे उनकी तरफ से हमले शुरू हो गए, तो ये 24 घंटे के अंदर जो है ये हुकूमत जो सिर्फ तर्जुमानों के इजलास को ही अपनी गवर्नेंस समझती है, तो वो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन बात यह है कि ये मुल्क के मुआशी मफाद में नहीं है, ये उस वक्त भी मुआशी मफाद में नहीं था जब पिछली हुकूमत ने भारत के साथ तिजारत बढ़ाने की कोई कोशिश की, फिर वो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है वो ख़त्म किया गया, किस दबाव का सामना किया गया, उस MFN को जी वो उन्होंने नाम तब्दील किया फिर भी वो पसंद नहीं आया, उसके नतीजे में क्या हुआ, नुकसान जो है वो हमें ही हुआ। अब आप ये देख लें कि इस वक्त एक तो चीनी आपको वहाँ से सस्ती मिल सकती थी तो आपके लोगों का कोई भला हो सकता था, लेकिन उससे बढ़कर जो है जिस पर बात नहीं हो रही वो कपास की बात है। कपास जो है वो दो ही मुल्क हैं इस रीजन में, या चीन है या भारत है। चीन से आप चाहते हुए भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी जो कपास है वो शिनजियांग से आती है, और वो अगर आप लेकर कोई चीज़ बनाए। ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर बात कर रहा था भारत के साथ जो ट्रेड होने वाली थी उसे पाकिस्तान ने पहले, मतलब खुद ही चाह रहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करे, और उसने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इसे मतलब लगभग कम्प्लीट ही कर लिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बोल दिया कि हम भारत के साथ मतलब ये ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे जब तक कश्मीर से Article 35A और धारा 370 नहीं है। सोच लो आप दोस्तों, इस तरीके की बेवकूफ़ी कन्फ्यूज़न पाकिस्तान में ही हो सकती है। आपको पता होगा पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बोला था, मतलब जो इमरान खान का मिनिस्टर है उसने बोला था कि भारत से हम शुगर और कपास कॉटन ये सब चीज़ें लेंगे, और अब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये सब हम नहीं करेंगे। मतलब आप समझ सकते हो इनके मंत्रिमंडल ये सब डिस्कशन तो डेफिनेटली सबसे हायर अथॉरिटी के बाद होता है, लेकिन ये पाकिस्तान के बेवकूफ़ लोग किस तरीके के, मतलब क्या लॉजिक है इनका, क्या कुछ समझ में ही नहीं आता है। इस तरीके की गलतियाँ या बेवकूफ़ियाँ केवल पाकिस्तान में ही हो सकती हैं, और ये उम्मीद क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भारत धारा 370 और Article 35A हटा देगा, मतलब हद है। ये इस तरीके का अगर पाकिस्तान में सोच भी है तो डेफिनेटली फिर वो बड़े बेवकूफ़ लोग हैं अगर इस तरीके की वो सोच भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, भारत और पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हालांकि आपको भी पता है हमें तो पाकिस्तान से ट्रेड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको भी पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड होती है उसमें फ़ायदा भारत का होता है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान जितना फ़ायदा मतलब होने के बाद, पाकिस्तान से जो फ़ायदा होने के बाद भी पाकिस्तान पता है आपको नुकसान भारत को कितना पहुंचाता है, लेकिन फिर भी आपको भी पता है कि भारत एक बड़ा देश है, तो जो पड़ोसी है उनके साथ कभी ना कभी तो जो भी मतलब रिश्ते ख़राब हुए उनको सही करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, तो वही हुआ। अब देखते हैं क्या होता है।
तो ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।